हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम नमस्ते जय भीम। आप सभी का फिर से स्वागत है टीआरटी हब पर। मैं सुभान खान। इस समय हमारे साथ उपस्थित है शाहबाद तालुका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। सर, क्या कहना चाहेंगे इस असेंबली चुनाव को लेकर? असेंबली चुनाव तो जरूर हम जीतेंगे बसराज मती मोड़ जी, तो 25,000-30,000 वोट से तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 100 से 100% भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, हम इसको बचा लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो क्या है इस इलेक्शन को लेकर? मैनिफेस्टो डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम चुनाव जा रहे आए हैं। डेवलपमेंट 5 साल में हम करे सो काम, पब्लिक के पास गए, पब्लिक खुश है, वो हिसाब से हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर गए तो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे। हर चीज़ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट के ऊपर कोई नाराजगी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कांग्रेस वाले 100 बोलेंदे लेकिन 12 मतदाता खुश है, ये हिसाब से हम 25,000 जीत वोट से हम डेफिनेटली जीतते। रेवनायक बेलमगी जी भारतीय जनता पार्टी से 4 बार MLA रह चुके हैं, इस बार कांग्रेस से वो उम्मीदवार हैं। उनके बारे में हम कहने का भी गलत होता, क्यों बोले तो अब रेस के घोड़े में एक 80 साल का है, एक 40 साल का है। 40 साल के घोड़े के ऊपर बैठना चाहते लोग, 80 साल के घोड़े के ऊपर कोई बैठना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हम जीतते, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। तो शाहबाद के डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शाहबाद में हर एरिया में डेवलपमेंट है, हो गया है, अभी भी होता। अब ऑलरेडी हम नगरोत्थान 4 अमृत योजना माननीय शासक के अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सरकार में 12 से 13 करोड़ रुपए का ऑलरेडी टेंडर बुलाए हुए, वो भी आफ्टर इलेक्शन, वो भी कामगारी चालू होता, वो होने के बाद शाहबाद नगर और एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारतीय बसराज मत्ती मूड जी को विश्वास देखकर मतदान करते। तो ये थे शाहबाद तालुका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अनवीर इंगन शेट्टी। तो आप इसी तरह देखते रहिए टीआरटी हब, हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।